ये जिला परिषद का एस्टिमेट है, जिला परिषद अकोला, और ये उसका सब डिवीजन है तेलहारा, और ये उसका नेम ऑफ वर्क है, और ये उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। इससे पहले के वीडियो में हमने ये देखा कि एस्टिमेट में कौन कौन सी शीट होती है, और हमने मेजरमेंट का जो हेडिंग रहती है वो भी देखा हमने। ये जो मेजरमेंट की हेडिंग होती है हमने ये भी देखा, और आज के वीडियो में हम रेट एनालिसिस की हेडिंग को बनाएंगे। ये जो रेट एनालिसिस है, तो आप गौर कीजिए, इसमें नेम ऑफ वर्क मिल रहा है आपको, रेट एनालिसिस मिल रहा है, और ये चीजें मिल रही है। तो देखिए, ये हमारी एक्सेल की फाइल है। अगर मुझे रेट एनालिसिस पे काम करना है तो मैं इस पर एक सिंगल क्लिक करूंगा, तो इस तरीके से वो हाईलाइट हो जाती है। जब भी मुझे काम शुरू करना है तो सबसे पहले मुझे पेज का यहाँ पे जो डॉटेड लाइन आती है, बॉर्डर आता है, मुझे वो देखना है। तो मैं पेज लेआउट पे क्लिक कर रहा हूँ, साइज पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद एफ। उसके बाद देखो, मैं जैसे ही मार्जिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ डिफॉल्ट नॉर्मल सिलेक्शन है, अगर नहीं है तो उसे नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके, अब यहाँ पे गौर कीजिए आप, मैं जैसे ही टिक करूंगा तो देखो ये सेंटर में हो जाता है। उसके बाद ये हम बेसिक तौर पे सीख रहे हैं ताकि ज्यादा सेटिंग वगैरह ना करना पड़े। हम बाद में और भी चीजें इंशाल्लाह देखेंगे इसमें। अभी देखिए, यहाँ पर जो पहला है मेरा, यहाँ नेम ऑफ वर्क रहेगा, उसके बाद एक रो छोड़कर मेरा यहाँ इस तरीके से रेट एनालिसिस लिखा हुआ रहेगा, और उसके बाद ये। तो हमारा जो पैटर्न रहेगा रेट एनालिसिस का, वो थोड़ा सा इससे अलग होता है। तो फिलहाल अभी तो मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ आपको, तो ये बता देता हूँ मैं। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक अंदाजे से मैं टाइप कर रहा हूँ, बाद में हम देखेंगे उसे। मैं आइटम नंबर टाइप करता हूँ, आइटम नंबर टाइप करता हूँ मैं, उसके बाद टैब की प्रेस करता हूँ, और देखिए यहाँ पे आइटम ऑफ वर्क है। तो मैं वो आइटम ऑफ वर्क नहीं टाइप करूंगा, बल्कि मैं ये SSR में से इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके इसे पेस्ट कर देता हूँ, और इसकी साइज अगर मुझे बढ़ानी है तो देखो, अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करूँ, बिल्कुल मेरा कर्सर देखिए किस तरीके से है, बस डबल क्लिक करे तो ये इस तरीके से हो जाता है। उसकी साइज बदलना है तब भी कर्सर देखो ऐसा होना चाहिए, और माउस का जो बटन है उसे प्रेस करके इस तरीके से उसे ड्रैग किया जा सकता है, जिससे उसकी साइज बढ़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए कि मेरा यहाँ आइटम नंबर आएगा, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन आएगा, उसके बाद यहाँ उन्होंने क्वांटिटी लिखा है। तो ये जो क्वांटिटी है, ये मटेरियल का कंजम्पशन होता है, तो हम उसे फैक्टर भी लिख सकते हैं और कंजम्पशन भी लिख सकते हैं। मटेरियल कंजम्पशन लिख सकते हैं, मटेरियल लिख सकते हैं, फैक्टर लिख सकते हैं, और इनकी तरह मटेरियल क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। तो जो चाहिए वो लिखिए आप। तो यहाँ पे मैं फैक्टर टाइप कर देता हूँ। फैक्टर टाइप करने के बाद देखो, मैं यहाँ पे ये और ये दो सेल को मैंने सिलेक्ट किया, ये होम है, और यहाँ पर देखो अलाइनमेंट में मैंने इसे मर्ज कर दिया। मैं कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, और ये सिलेक्शन छोड़ने के लिए मैं एस्केप प्रेस करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे लीड चार्जेस होता है, तो सिर्फ आप लीड भी लिखेंगे तो भी चलता है, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट के लिए, और डिपार्टमेंट को पता है कि ये क्या चीज है। देखिए, यहाँ पर हमने आइटम नंबर को दुरुस्त कर लिया, आइटम ऑफ वर्क भी ले लिया, अब यहाँ पे फैक्टर लिखा है हमने, और यहाँ पे जो रेट है ये रेट हमने लीड कर लिखा है, उसका यूनिट हम आखिर में लिखने वाले हैं यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ और यहाँ नहीं लिखने वाले हैं हम। उसके बाद देखो, ये रेट आएगा और यूनिट आएगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ पे रेट टाइप कर दूंगा, और टैब की से इधर यूनिट टाइप कर दूंगा। अब देखिए, मैं यहां से लेकर यहां तक अगर सिलेक्शन करूं या उससे ज्यादा भी करूं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और सिर्फ डबल क्लिक कर देंगे आप तो देखो इस तरीके से ये पेज अंदर दुरुस्त हो जाता है। अब ये जो पेज लेआउट है, यहाँ पे देखो परसेंटेज होता है, अक्सर मैं इसे कम पे काम करता हूँ, 80 पे करता हूँ, तो ये रूल नहीं है कि 80 पे करना चाहिए, 90 पे कर सकते हैं, 100 पे कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल आपको बतलाने के लिए मैंने 85 पे कर दिया है, तो आप 100 पे भी काम कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। सिर्फ ये याद रखे कि पेज के बाहर चीजें नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये पहला सेल है मेरा, मैं यहाँ इक्वल करता हूँ, और ये मेजरमेंट में मेरा यहाँ नेम ऑफ वर्क है, मैं यहाँ क्लिक करके एंटर कर रहा हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर आ चुका है। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, जो मेरा यूनिट है ये, और मैं यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ, रैप टेस्ट कर रहा हूँ, इसे बोल्ड कर रहा हूँ, और देखो मैं यहाँ बॉटम पे आकर इसकी साइज इस तरीके से बड़ी कर रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ और यहाँ सेंटर पे क्लिक करूँ तो देखो ये वर्टिकल हो जाता है, यहाँ क्लिक करूँ तो ये हॉरिजेंटल होता है। तो
तो इस तरीके से आप यहाँ पे उसे दुरुस्त कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इस पे, और यहाँ बॉटम पे इस तरीके से कर रहा हूँ। इसकी फिक्स साइज भी की जा सकती है। यहाँ पे देखिए मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ अभी। यहाँ हमारा कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ये पेज हमारा डिस्टर्ब है अभी फिलहाल, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ मुझे हेडिंग ही बताना है तो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये रेड एनालिसिस है, अगर ये कॉपी होता होगा तो हम इसे कॉपी कर सकते हैं। ये जो रेड एनालिसिस अगर नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। हमारा ये पैटर्न थोड़ा अलग रहने वाला है, लेकिन अभी सिर्फ आपको हेडिंग बताता हूँ रेड एनालिसिस की। तो मैं यहाँ पे रेड एनालिसिस लिखता हूँ। और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करता हूँ और इसे बोल्ड कर देता हूँ, ये मर्ज कर देता हूँ, रैपटाइज करता हूँ, यहाँ पे बोल्ड करता हूँ। उसकी साइज यहाँ से देखो बढ़ाई जा सकती है। अब इसको और अच्छा किया जा सकता है रेड एनालिसिस। तो आप कैसे करेंगे रेड एनालिसिस, PWD SSR ऑफ, जो भी आपका SSR का सन है वो लिखना होता है। अभी हमारे पास 2022 से भी चल रहे, तो ये कर दिया हमने। इसकी ज्यादा साइज हो गई तो कम भी कर दिया जा सकता है, और इसकी साइज इधर से भी बढ़ाई जा सकती है। देखो यहाँ क्लिक करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये सेंटर में हो रहा है, इधर से इस तरीके से अलाइन होता है। देखो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, सेंटर हो गया। तो आपको जो पसंद हो उस तरीके से इसे रखिए। बाद में हम इसे और चेंज करने वाले हैं। देखो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसे बोल्ड कर रहा हूँ, इसे हॉरिजॉन्टल सेंटर में कर रहा हूँ, वर्टिकल भी सेंटर में कर रहा हूँ। इसकी थोड़ी सी साइज देखो मेरा कर्सर कैसा है, देखिए मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये साइज बढ़ जाती है। ये दो सिलेक्शन थे तो इसलिए इसकी साइज बढ़ी। अब इसे मैं क्लिक करके ऑटो फिट कर देता हूँ, ये दुरुस्त हो गया। अभी देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और इसे ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। इसे क्लिक करता हूँ और इसे कोई भी बॉर्डर दिया जा सकता है। फिलहाल इसे ये दे देते हैं, इसे क्लिक करके ये बॉर्डर दे देते हैं। और इसे देखो डबल क्लिक करके दुरुस्त किया जा सकता है। आपको जब भी काम करना होगा तो ये साइज बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, लेकिन ये जो साइज होती है, ये जो साइज होती है, इसे अब डबल क्लिक करके दुरुस्त करना होता है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके बता रहा हूँ। सिर्फ आपको मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों। देखो अभी हम एक डमी बताते हैं इसमें देखकर। देखो यहाँ पर है ना, ये क्वांटिटी जो फैक्टर है उन्होंने समझो एक लिखा है, तो मैं यहाँ पे फैक्टर एक कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने एक कर दिया, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं यहाँ। और उसके बाद मैं कीबोर्ड से एक्स टाइप कर रहा हूँ। जो एक्स है ना, ये कैपिटल होना जरूरी है। देखो अगर कैपिटल नहीं रहा तो छोटा लगेगा। देखो अभी मैं फिर से टाइप करके बताता हूँ आपको। अगर ये छोटा टाइप किया मैं तो ठीक नहीं लगेगा, तो कैपिटल में टाइप करना है इसे। उसके बाद देखो ये जो फैक्टर है 435 रुपया है, तो मैं यहाँ पे ये फैक्टर 435 नहीं है बल्कि वो रेट 435 रुपया है। तो यहाँ पे मैं 435 रुपये टाइप कर देता हूँ। तो ये टाइप किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे मेरा कर्सर है इंक्रीज डेसिमल, तो ये दो तक रखना है ना। तो देखो ये पेज के बाहर चीजें जा रही है, असल में वही समझाना है आपको। तो ये हो गया मेरा रेट, कौन सा ये रेट। तो रेट के सामने मुझे ये चीजें नहीं लिखनी होती है, तो मैं ये निकाल देता हूँ क्योंकि ये मेरा रेट है। उसके बाद मुझे यहाँ लिखना होता है, यहाँ पे जैसा एड लीड चार्जेस, जैसे ये आइटम देखिए, ये मुरूम का आइटम है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, जैसे मेरा यहाँ पे देखो आइटम नंबर आ जाएगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, यहाँ पे मेरा रेट रहेगा बेसिक रेट, और यहाँ पे जो नीचे है मैं यहाँ लिखूंगा एड लीड चार्जेस फॉर मुरूम। आप सिर्फ इतनी चीज याद रखिए कि अभी हम सिर्फ ये हेडिंग सीख रहे हैं, अभी हम रेट एनालिसिस नहीं सीख रहे हैं। तो ये चीज याद रखना है आपको। तो मैं यहाँ पे अभी एक टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने एक्स टाइप किया है कैपिटल में, और उसके बाद देखिए ये जो रेट है मेरा लीड का 777 रुपया 52 पैसा। तो देखो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 777 रुपया 92 पैसा। ये देखो गलत टाइप हो चुका है, मैं फिर से बताता हूँ आपको 777 रुपया 92 पैसा। तो यहाँ मैं डबल क्लिक करके सिर्फ 7 टाइप कर दूंगा तो ये दुरुस्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये एक से यहाँ दोबारा टाइप करना होता है। अभी हम वो टाइप नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, यहाँ इक्वल करेंगे। अब देखो मैं इसे सिलेक्ट करूँ, अगर इस तरीके से आगे तक भी सिलेक्ट किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है यहाँ तक होना चाहिए, बस यहाँ डबल क्लिक कीजिए। तो देखो ये दुरुस्त हो गया, लेकिन क्या फर्क है देखिए अभी, कि मुझे अगर इसे साइज बढ़ाना है तो सिर्फ इसकी साइज बढ़ाना है। ये जो है ना मेरा डिस्क्रिप्शन, सिर्फ इसकी साइज बढ़ाना है। इसे बोल्ड कर देंगे हम, और देखो इस तरीके से अगर प्रॉब्लम आया तो यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे हम। और देखो मैं यहाँ पर
ये जो एक है एक, इस पर क्लिक करके इसको पांच डिजिट कर रहा हूं मैं, 2, 3, 4 और 5। ये एक डिजिट में भी रहा तो ओके था, दो में भी ओके था, तीन में भी, चार में भी और पांच में भी। पांच हम इसलिए करते हैं कि जो सीमेंट के मेटल कंपोनेंट होता है या फिर बिटुमेंट का होता है, तो उस वक्त उसको पांच लगते, तो हमारा अगर एस्टिमेट बहुत बड़ा है तो बार बार हमको चेक करना पड़ता है, तो हमने सबको ही पांच रख देना। देखो ये डिस्टर्ब जो हुआ है, देखो मैं मेरा कर्सर देखिए, बस मैं ऐसा क्लिक करके इसे दुरुस्त कर दूंगा। यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वल, उसके बाद देखो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे एक रो छोड़ के मैंने यहाँ क्लिक किया, इसे क्लिक कर देता हूँ, इंटर करता हूँ। यहाँ पे मैं देखो क्लिक कर देता हूँ, फिर ऐसा प्रॉब्लम आए तो डबल क्लिक करेंगे तो दुरुस्त हो जाता है। तो शुरुआत में ये प्रॉब्लम आपको आने वाला है बार बार, तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं यूनिट टाइप कर देता हूँ, बाद में और अच्छी तरीके से सब हम डेटा एनालिसिस वगैरह सीखने वाले हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी सिलेक्शन किया जा सकता है और यहाँ तक भी, और इसे जो बॉर्डर पसंद हो आपको बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पे टाइप किया जा सकता है टोटल रेट, टोटल रेट है, और उसके आगे रुपीज लिखना है तो रुपीज भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये इक्वल है ना, वहां तक सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसे मर्ज कर रहा हूँ, रैप टेक्स कर रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ और इधर हॉरिजेंटल अलाइन कर रहा हूँ। इसे भी बोल्ड किया जा सकता है, कोई कंपल्सन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। तो ये देखिए अभी यहाँ पर ये 1212 रुपये 92 पैसे इनका रेट आता है। यही चीज है, अभी हम बाद में इसको सीखने वाले हैं, तो इस तरीके से हमारा ये रेट एनालिसिस बना है। यहाँ पर अभी बाकी की चीजें अगर हम टाइप कर देंगे तो बिल्कुल इसी की तरह दिखाई देगा, तो इसे और सिंपल तरीके से हमने करने की कोशिश किया है इस